आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी, ये है प्राइम टाइम। जैसे कि हम सब जानते हैं कि चाइना क्या कर रहा है लद्दाख में भी, अरुणाचल में भी। एक तो चाइना अपने प्रोडक्ट को लेकर सीधे हमारे घरों तक घुस आया, आर्थिक साम्राज्यवाद में तो वो पास हो गया, लेकिन वो सीमाओं को भी लान कर देश के अंदर आना चाहता है। और हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार कर रही है ऐप बैन, हमारी सरकार कर रही है गेम बैन। क्या ये सरकार को करना चाहिए या ठोस कदम उठाने चाहिए? भारत की संसद में ये प्रश्न उठा तब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अभी की स्थिति के अनुसार चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC और अंदरूनी क्षेत्र में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियों और गोला बारूद तैनात किया है। ये हमारे रक्षा मंत्री ने मान लिया है 6 साल के बाद। रक्षा मंत्री ने भारत चीन गतिरोध को लेकर संसद में बयान देते हुए कहा, पूर्वी लद्दाख और गोगरा, कोंकाला और पेंगोंग लेक का उत्तरी और दक्षिणी किनारा जो है वहाँ कई गतिरोध वाले इलाके हैं। LAC में चीन ने अंदरूनी इलाकों में बड़ी संख्या में सेना और हथियार तैनात किए हुए हैं। हमारी सेना इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए तैयार है, ये बयान दिया है राजनाथ सिंह ने भारत की संसद में। उन्होंने ये भी बताया कि चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी सेनाओं ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त जवाबी तैनाती की है ताकि भारत की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित रख सके। रक्षा मंत्री ने कहा, LAC पर तनाव बढ़ता देख दोनों तरफ के सैन्य कमांडरों ने 6 जून 2020 को मीटिंग की थी। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत भी हुए थे LAC को स्वीकार किया जाए तथा कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जाए जिससे यथास्थिति बदले। इस सहमति का उल्लंघन कर चीन द्वारा एक हिंसक संघर्ष की स्थिति 15 जून को गलवान में पैदा हो गई थी। तब हमारे बहादुर सिपाहियों ने अपनी जान का बलिदान दिया, पर साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंची और अपनी सीमा सुरक्षा में भारतीय सेना कामयाब रही। इस विषय पर कांग्रेस ने रक्षा मंत्री के भाषण पर प्रतिक्रिया दी और उनसे कुछ सवाल भी किए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा, रक्षा मंत्री के बयान से साफ है कि मोदी जी ने देश को चीनी अतिक्रमण पर गुमराह किया। हमारा देश हमेशा से भारतीय सेना के साथ खड़ा था और खड़ा रहेगा, लेकिन मोदी जी आप चीन के खिलाफ कब खड़े होंगे? राहुल गांधी ने ट्वीट कर ये सवाल मोदी जी के लिए दागा है कि आप चीन के खिलाफ कब खड़े रहेंगे। चीन ने हमारे देश की जो जमीन कब्जा कर रखी है वो जमीन हम कब वापस लेंगे? मोदी जी से राहुल पूछते हैं कि चीन का नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? आप डरो मत। कांग्रेस के पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी एक ट्वीट में कहा, देश सेना के साथ एकजुट है पर बताएं कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जे का दुस्साहस कैसे किया? मोदी जी ने चीन द्वारा हमारे क्षेत्र में घुसपैठ न करने के बारे में हमें गुमराह क्यों किया? चीन को हमारी सरजमी से वापस कब खदेड़ेंगे? चीन को लाल आग कब दिखाएंगे? आप सबको पता है कि अप्रैल माह से पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन की सेनाओं की संख्या तथा उनके हथियारों में काफी वृद्धि देखी गई है। मई के प्रारंभ में चीन ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारी सेना के सामान्य और पारंपरिक गश्त के पैटर्न में व्यवधान शुरू किया था, जिसके कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। हमने चीन को राजनयिक और सैन्य माध्यम से अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां यथास्थिति को एक तरफा बदलने की चीन की जो कोशिश है वो प्रयास है, इसे हम मंजूर नहीं करेंगे। यह भी साफ कर दिया गया है कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। LAC पर तनाव बढ़ता हुआ देख दोनों तरफ के सैन्य कमांडरों ने 6 जून 2020 को मीटिंग की थी। इस बात पर भी सहमति बनी थी कि संयुक्त तरीके से डिस एंगेजमेंट किया जाए। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए थे कि LAC को माना जाएगा और कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे यथास्थिति बदले। हम सबको पता है कि इस पूरी अवधि के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा तथा जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य प्रदर्शित किया। राजनाथ सिंह सदन से अनुरोध करते हैं कि हमारे दिलेरों की वीरता एवं बहादुरी की भूरी भूरी प्रशंसा करने में मेरा साथ दे। हम मौजूदा स्थिति का बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं।
हमने चीनी पक्ष के साथ राजनीतिक और सैन्य संपर्क बनाए रखा है। इन चर्चा में तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत हमारे दृष्टिकोण को तय करते हैं। पहला, दोनों पक्षों को LAC का सम्मान और कड़ाई से पालन करना चाहिए। दूसरा, किसी भी पक्ष को अपनी तरफ से यथास्थिति बदलने का कोई भी अधिकार नहीं है और उसका प्रयास भी नहीं करना चाहिए। तीसरा, दोनों पक्षों के बीच सभी समझौतों का पूर्णतया पालन होना चाहिए। आपको बता दें कि जब ये चर्चाएं चल रही थी, चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को उकसाऊ सैनिक कार्रवाई की गई, जो पेंगोंग लेक के दक्षिणी इलाके में यथास्थिति को बदलने का प्रयास था। लेकिन एक बार फिर हमारी सेना की समय रहते और मजबूत कार्रवाई के कारण ये प्रयास सफल नहीं हुए। भारत ये भी मानता है कि पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के लिए आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता आवश्यक है। हालांकि राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा कि सीमा पर तनाव का द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ेगा। भारत सरकार ने चीन से तनाव के बाद कई चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा लिया था। उन्होंने बताया कि चीन और भारत ने माना है कि सीमा पर शांति बहाली रखी जाएगी। सीमा विवाद एक जटिल मुद्दा है और शांतिपूर्वक बातचीत से ही समाधान निकलेगा। राजनाथ सिंह ने कहा, सदन को मैं आश्वस्त करता हूं कि हमारी सेनाएं इस चुनौती का सफलता से सामना करेगी और इसके लिए हमें उन पर गर्व है। अब जिस बात पर चर्चा चल रही है उसमें संवेदनशीलता परिचालन मुद्दे शामिल है, इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा बोरा का खुलासा नहीं कर सकता। भारत सीमावर्ती इलाकों में मौजूदा मुद्दों का जो हल है शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए की जाने को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं। इस उद्देश्य को पाने के लिए मैं अपने चीनी समकक्ष से 4 सितंबर को मास्को में मिला था और हमारी गहरी चर्चा भी हुई थी। सबको पता है कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पिछले 4 महीने से टकराव की स्थिति बनी हुई है। इस गतिरोध के समाधान के लिए राजनाथ सिंह ने 4 सितंबर को मास्को में चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे के साथ मुलाकात भी की थी। दोनों देशों के बीच सीमा पर मौजूदा तनाव के मद्देनजर राजनाथ सिंह ने चीनी नेता से कहा था कि सीमा पर स्थिति को सामान्य रखने के लिए भारतीय सैनिकों का रवैया जिम्मेदारी भरा रहा है। साथ ही राजनाथ सिंह ने यह भी कहा था कि अपनी संप्रभुता और सीमा की रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता पर किसी को भी संदेह नहीं लेना चाहिए। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात हुई थी। जयशंकर और वांग यी के बीच में हुई बैठक में गतिरोध को खत्म करने के लिए 5 सूत्रीय योजना पर सहमति बनी थी। लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को दोनों देशों के सैनिकों के हिंसक झड़प जो हुई थी, इसमें 20 भारतीय सैनिकों की मौत हुई थी। इसके बाद से दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन तनाव अब भी कायम है। इसके बाद भारत ने कहा कि चीन ने 29 और 30 अगस्त की रात को पेंगोंग लेक के साउथ बैंक क्षेत्र में भड़काऊ सैन्य हरकत करते हुए यथास्थिति को तोड़ने की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया है। हालांकि चीन ने LAC पार करने की खबरों का खंडन किया था और भारत पर भी LAC पार करने का आरोप लगा दिया था। भारत और चीन के बीच 3,500 किलोमीटर लंबी सरहद है और दोनों देश सीमा की वर्तमान स्थिति पर सहमत नहीं है। इसे लेकर दोनों देशों में 2062 से जंग भी हो चुकी है। उधर अवेसी ने इस मुद्दे पर कहा, आपने संसद को यह क्यों नहीं बताया कि आपने चीन से मांग की है कि LAC पर अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति जैसी यथास्थिति बनाई जाए। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भारत चीन पर संसद में दिए गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयानों पर हमला बोला है। अवैसी ने कहा कि संसद में रक्षा मंत्री द्वारा दिया गया बयान राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एक घिनौना मजाक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री का बयान बेहद कमजोर और अपर्याप्त है। सोशल मीडिया पर अवैसी ने लिखा है कि रक्षा मंत्री के बयान पर उन्हें संसद में बोलने की अनुमति नहीं थी। अगर मुझे अनुमति होती तो मैं रक्षा मंत्री से ये पूछता कि हमारी 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जो अवैध कब्जा कर लिया है, जहां हम पहले से गश्त करते थे, ये कैसे हुआ? अवैसी ने पूछा कि इस अवैध कब्जे के लिए जिम्मेदार कौन है। अवैसी ने PM नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला और लिखा, सर्वदलीय बैठक में आपने कहा था कि किसी भारतीय क्षेत्र पर कब्जा नहीं है, कोई घुसपैठ भी नहीं हुई है, फिर गलवान में हमने 20 बहादुर सैनिक कैसे खो दिए? उस रात क्या हुआ था? सरकार हमारे बंदी सैनिकों के बारे में सच क्यों नहीं बताती? AIMIM चीफ ने कहा, आप मिलिट्री को कह रहे हो कि बात करे,
जबकि कई दौर की बातचीत विफल रही है। इस प्रक्रिया को सशस्त्र बलों पर क्यों धकेला जा रहा है? राजनैतिक निर्देश सशस्त्र बलों को क्यों दिया जा रहा है? कूटनीति में उलझना उनका काम नहीं है, यह सरकार का काम है। ओवैसी ने मीडिया पर भी निशाना साधा है और पूछा है क्यों भारतीय मीडिया चीन के मुद्दे को और उससे जुड़े मामले में सूचनाओं के लिए सिर्फ लीक्स पर निर्भर है। सरकार के प्रवक्ता क्यों नहीं इस संवेदनशील मामले पर रोजाना प्रेस ब्रीफिंग कर सकते हैं? ओवैसी ने यह भी पूछा कि भारत ने इस द्विपक्षीय मुद्दे पर रूसी मध्यस्थता क्यों स्वीकार की। ओवैसी ने कहा कि ये देश जानना चाहता है कि चीन विवाद पर सरकार क्या कर रही है। रक्षा मंत्री ने मंगलवार को संसद में कहा था कि चीन ने एलएसी के पास अंदरूनी इलाकों में बड़ी संख्या में सेना और हथियार तैनात कर रखा है और भारत किसी भी तरह चुनौती की सामना करने के लिए तैयार है। इन सब बातों के चलते भी उधर चीन की सेना उकसावे के मूड में दिख रही है और पेट्रोलिंग के दौरान कई बार एलएसी के काफी नजदीक आ चुकी है। भारतीय सेना ने एलएसी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर चीनी खेमे में हलचल नोटिस की है। लद्दाख में रेजांगला में भारत की सेनाओं से भौचक्का का चीन बौखला गया। चीन अब अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने सेनाओं को जमकर किलेबंदी कर रहा है। भारतीय सेना ने चीनी सीमा में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मूवमेंट को नोटिस किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के अस्तिफा, चुटिंग, चांगज और फिलस्टेल दो के विपरीत चीनी क्षेत्र में चीनी गतिविधियां देखी है। यह इलाके भारतीय सीमा से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। वरिष्ठ सूत्रों से ये जानकारी दी है कि आशंका है कि चीन की सेना भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश करे और किसी शांत और बिना आबादी वाली जगह को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करे। हालांकि सरकारी सूत्रों में ये बताया गया है कि चीन की ऐसी किसी भी साजिश का जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से सतर्क है, सजग है और मोर्चा लेने के लिए भी तैयार है। हालात को देखते हुए एलएसी पर सेना की तैनाती को भी बढ़ा दिया गया है। चीन की ओर से किसी तरह के संभावित खतरे को देखते हुए एलएसी के सभी सेक्टर पर सेना की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। डोकलाम भूटान इलाकों में चीनी सेना की मौजूदगी बढ़ने के बाद भारत के सर्वोच्च नेतृत्व ने इस पर गंभीरता से विचार किया है। बता दें कि 2017 के बाद डोकलाम में पिछले 6 महीने में एक बार फिर से भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव की स्थिति बनी है। चीन की सेना भूटान की सीमा की इन्फेंट्री रिज तक सड़क निर्माण कर रही है। चीन की इस गुस्ताखी से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए खतरा बन सकता है। लद्दाख में पहले से ही भारत और चीन के बीच तनाव है। यहाँ पर भारत ने चीन की कोशिशों को धत्ता बताते हुए पेंगोंग झील के पास काला टॉप और हेलमेट टॉप पर सामरिक चोटियों पर कब्जा कर लिया है। एक तरफ पाकिस्तान के साथ पारंपरिक दुश्मनी, दूसरी ओर नेपाल जैसे मित्र देश से तनातनी, तीसरी ओर म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका से बिगड़ते रिश्ते और अब चीन भी हमारा दुश्मन बन बैठा है। तो फिर हमारी परराष्ट्र नीति क्या कर रही है? परराष्ट्र मंत्री क्या कर रहे हैं? एनआरसी के नाम पर बार बार उछलने वाले गृह मंत्री इस मामले में क्या कर रहे हैं? और आग दिखाने वाले पीएम मोदी आग क्यों नहीं दिखा रहे? क्या सिर्फ चाइना के ऐप या गेम बैन कर लेने से ये मसले हल होंगे? कब तक नेहरू की नीति को ढाल बनाकर ये सरकार अपनी नाकामी छुपाती रहेगी? कोई चीन पर बात क्यों नहीं करता? सुशांत अहम मुद्दा बन जाता है, कंगना को वाई प्लस सुरक्षा दी जाती है, देश को सुरक्षा कौन देगा? ये किसकी जिम्मेदारी होगी? कौन जिम्मेदारी लेगा? या चीन का आक्रमण और साम्राज्यवाद भी एक्ट ऑफ गॉड बोलकर नजरअंदाज कर दिया जाएगा? इस सवाल को यही दर्शकों पर छोड़ते हैं। आप खुद सोचिए सरकार की क्या जवाबदेही होनी चाहिए। देश की सुरक्षा को लेकर सरकार सूचना छुपाती हो, ऐसी सरकार का क्या करे? आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी, यह है प्राइम टाइम।